एजाज खान को नहीं मिली बेल। गौरव दीक्षित को अरेस्ट करने पर एनसीबी को होगा फायदा। क्या है पूरी खबर, आइए बताते हैं आपको। बॉलीवुड एक्टर और बिग बॉस फेम एजाज खान की जमानत याचिका को कोर्ट ने फिर एक बार खारिज कर दिया है। एजाज को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स केस में 31 मार्च को गिरफ्तार किया था। एजाज को अभी जेल में ही रहना होगा। आपको बता दे कि एजाज 4 महीने से जेल में ही है। बीते रोज टीवी एक्टर गौरव दीक्षित को भी एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। एजाज खान ने अपनी पूछताछ के दौरान गौरव दीक्षित का नाम लिया था। एनसीबी की मुंबई टीम ने गौरव के घर पर इसी साल अप्रैल में रेड किया था। रेड के दौरान एनसीबी को गौरव के घर से ड्रग्स बरामद हुई थी, जिसके बाद अब उन्हें भी एजाज खान के साथ जेल में ही रहना होगा। आपको बता दे कि 5 महीने पहले हुई एनसीबी की रेड के बाद से गौरव गायब चल रहे थे, जिसके बाद कल रात उन्हें पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि गौरव ही एजाज को ड्रग्स सप्लाई किया करता था। एजाज और गौरव दोनों के ही तार शादाब बटाटा से जुड़े हैं। पुलिस ने शादाब को 2 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ मार्च में गिरफ्तार किया था। गौरव के अरेस्ट के बारे में बात करते हुए जोनल डायरेक्टर ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो समीर वांखेड़े ने कहा, शादाब के केस में हमने पहले ही एजाज समेत 4 अन्य लोगों को अरेस्ट कर लिया है, जहां अब गौरव को पकड़ने के बाद हमें इस केस में और भी कई बड़े सुराग मिलने की उम्मीद है। हमें गौरव के घर से भी कई तरह के ड्रग्स मिले थे। वेल, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए। और देखते रहिए टेली मसाला।